गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जसी आंडी थी काव टुकड़ी ते दूसरा वार्तक लेख मुड़ वेख्या प्रिंट करांगे। ठीक है, थोड़ा इस टेस्ट भी है गूगल फॉर्म दे विच बेटा टेस्ट आएगा एमसीक्यूज दे विच। आंडी थी काव टुकड़ी ते मुड़ वेख्या वार्तक प्रिंट, सारे ऑप्शन नु पढ़ के फिर ही तुसी टिक लगाना है। ओके बेटा, सब तो पहला आंडी थी काव टुकड़ी करांगे। आंडी थी भाव की जेडी असी काव टुकड़ी देखी नहीं है, अनसीन पोएट्री का पैसेज, किसी भी बुक दे भी पोएट्री का पैसेज आ सकता है, पैरा आ सकता है, और ना रिलेटेड फिर बेटा तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू के बीच भी आ सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन देकर आंसर लिखना है। ठीक है, काव टुकड़ी को पहले ध्यान नाल पढ़ के समझ के फिर ही आंसर लिखने हैं। ओके, पहला देखो बेटा, ए उस दाते दी नगरी है, ए उस दाते दी नगरी है, तो जिस नगरी विच बसता है, निघरिया निघरिया वे गवांडी नू नित हुंदा है, नित हसदा है, नित है, ठीक है, नित हुंदा है, नित हसदा है, बूहे ते आए फकीरा नू भुखे ते नंगे दसदा है, माड़े दिया हड्डियां पीना है, तकड़े दिया तलिया चसदा है। और बेटा इस कार टुकड़ी दे विच कवि ने किस बारे गल की थी, किस नगरी नू किसने वसाया है, इस दुनिया नू बेटा किसने वसाया है। एनी स्टूडेंट बेटा रेज योर हैंड, इस नगरी नू बेटा इस दुनिया नू किसने वसाया है। अपरन अपन बेटा मैम परमात्मा ने। वेरी गुड, परमात्मा ने बसाया है। वेरी गुड बेटा, ध्यान नाल मीनिंग सुनो, नाल नाल नोट भी करो बेटा। ये उस दाते दी नगरी है, कभी कह रहे हैं कि दाता मतलब परमात्मा, दाता का की मीनिंग है परमात्मा, नगरी का की मीनिंग है दुनिया, नगरी का की मीनिंग है दुनिया। कभी की कह रहे हैं कि ये उस दाते पाकड़ी दुनिया है, संसार है, इस दुनिया नू इस संसार नू किन्ने वसाया है, उस परमात्मा ने उस दाता ने वसाया है। तू जिस नगरी विच वसना है, तू जिस भाव की सारे लोगों नू कह रहे हैं, कवि की सारे लोगों नू कह रहे हैं, इस दुनिया विच रहन वाले लोगों नू कह रहे हैं, तू जिस नगरी विच भाव की जिस दुनिया दे विच इंसान रहता है वसदा है, नीघरिया वे गवांडी नू, नीघरिया मतलब जे कोई बेटा साडे सामने, ठीक है, जिहड़ा साडे सामने कोई गवांडी है, ओ जिहड़ा कि नीवा हो जावे, ठीक है, भाव कि उहदी आर्थिक स्थिति वीक हो जावे, जे कोई साडे सामने कोई गवांडी है उहदी आर्थिक स्थिति वीक हो जावे, ठीक है, ओ किसे काम दे विच असफल हो जावे, ठीक है, ओनू देख के असीं हसदे हाँ, भाव कि जदों कोई साडे सामने कोई नीवा हो जांदा है, अमीर तो गरीब हो जांदा है, उहदी आर्थिक स्थिति वीक हो जाती है, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨੀਖਰਿਆ ਨੀਖਰਿਆ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਖਰਿਆ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀ ਕਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਤ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ,
ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੀਨਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੀਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਕੜੇ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਅਮੀਰ ਤਕੜੇ ਭਾਵ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਲੀਆਂ ਚੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਤਲੀਆਂ ਚੱਜਣ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ, ਕਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧੈਰਨ ਮਨੁੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ, ਦਿਲਜੀਤ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਕੜਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਨੁੱਖ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖੇ ਕੰਗਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੈਰਨ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਚੱਸਣਾ। ਓਨਲੀ ਥ੍ਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਰਜੂ, ਆਰਜੂ ਬੇਟਾ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਾ, ਯੈ, ਤਲੀਆਂ ਚੱਸਣਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
दलिया जसना चापलूसी करना, वेरी गुड। फिफ्थ, इन्हां सत्रां विच की समझन दी सिक्ख्या दित्ती गई है, की समझन दी सिक्ख्या दित्ती गई है, धैर्य। यस बेटा धैर्य। यस मैम। की समझन दी सिक्ख्या दित्ती गई है मैम? इस तो ऐसा समझन जी इसे दित्ती गई है कि जदों भी कोई मनुख किसी तो थले जा रहा हुंदा है तां उस ते दूजे मनुख फसदे हन। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਬਰਾਬਰ, ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਕਵਰ ਨੂਰ, आरजू बेटा, आरजू मैम अमीर गरीब बराबर। यस, अमीर गरीब बराबर, ठीक है, अमीर गरीब बराबर। जी दुनिया है परमात्मा ने बनाई है, दाता ने बनाई है, इसलिए बेटा सानू किसका निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे अमीर है चाहे कोई गरीब है, ठीक है, सारे इंसान एक बराबर, हाँ सानू सब का सत्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लियर है पुत्र सब पैरा? ओके क्लियर है बेटा, हम असं नेक्स्ट पैरा करांगे, सेकंड पैरा ध्यान नाल बेटा देखो, सेकंड कार्ड उत्ते दाता दियां बेपरवाइयां तो, दाता दियां बेपरवाइयां तो कोई बेपरवाह डरिया कर। दाता किनू की है? परमात्मा नू, ठीक है, जिसने दुनिया वसाई है, जो सब नू दाता देन वाला है, दाता दिया बेपरवाइया तो वो बेपरवाह डरिया कर। बेपरवाह कौन है? इंसान, जो किसी की परवाह नहीं कर रहा। बेपरवाह कौन है? इंसान है जो किसी की भी बेटा परवाह नहीं करता, ठीक है, वो बेपरवाह डरिया कर। तू भाव की जिहड़ा किसी की इंसान जो किसी की परवाह नहीं करता ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਦਮ 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 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਦਮ, ਤੂੰ ਹਰ ਦਮ, ਇਹਦਾ ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗੇ? ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗੇ ਹਰ ਘੜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗੇ? ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਮ ਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਮ ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਦਮ ਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੇਗਾ ਬੇਟਾ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ? ਦਮ ਦਮ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਵਰ ਨੂਰ, ਕਵਰ ਨੂਰ ਮੈਮ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੌੜਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੇ ਲੀਏ, कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, वो इंसान कहता है कि तू इधर उधर सारा दिन भटकता रहता है। चलो गुड, अपरन अपरन बेटा, दम दम का की मीनिंग है? मैम मतलब हर कड़ी अपना ही कहता रहता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, ताकतवर हूँ, ये शायद। चलो सुनो, पहले दम दम का मीनिंग बेटा तुम दस है, तू हर दम, हर दम मतलब हर कड़ी हर पल, दम दम करता है, दम दा मतलब पैसा, दम दा की मीनिंग है पैसा, ठीक है, दूसरे दम दा की मीनिंग है पैसा, धन दौलत, क्लियर है, तू हर दम 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 करता है, ठीक है। कवि की कह रहे हैं कि तू हर पल हर कड़ी पैसा पैसा ही करता रहना है, पैसे पीछे ही दौड़ता है, दम देने ने दम भरिया कर। हुण देखो इत्थे हुण दम देने दा की मतलब है, दम देने ने दम भरिया कर, दम देने का की मीनिंग है? कवर नूर, कवर नूर मैम इसका मतलब, मैम इसका मतलब है कि तूने अपनी जो सांसें है ये देनी है, अपने दम है, ये लाइक मर जाना हमने, और तू इस करके
जेडे अपने सांसे हैं वो अच्छे तरीके से यूज किया करो। वेरी गुड वेरी गुड। दम देने मतलब श्वास त्यागने, मरना, ठीक है। बाकी हर इंसान ने बेटा एक ना एक दिन इस दुनिया तो चले जाना, ये सच्चाई है। जीना झूठ है, मरना सच है, ठीक है। दम देने भाव कि असि अपने श्वास त्यागने हैं, परमात्मा दे कोल जाना एक ना एक दिन। दम देने ने दम भरिया कर, बाकी तू श्वास त्यागने ने, ठीक है। इसने चंगे काम करिया कर, वो पल विच जल थल कर दिंदा है। वो हुण शब्द के लिए आया परमात्मा ले, वो शब्द के लिए आया परमात्मा ने। वो पल विच, पल मतलब एक मिनट विच, एक घड़ी दे विच ही जल थल कर दिंदा है, बाकी परमात्मा चाहे तो एक घड़ी दे विच ही, ठीक है, सब कुछ जल थल कर दे, भाव की सब कुछ जरा कि नाश कर दे, ठीक है। धरती जी की समुद्र का रूप ले लवे, जिसे सारे डूब जान। ये सागर सोच के तरिया कर, तू ये समझ की दुनिया एक सागर है, दुनिया की एक सागर है, ठीक है। हरेक ने एक ना कर इसे डूबना ही डूबना है, दुनिया की एक सागर है, जो हर इंसान ने एक ना एक दिन इसे डूबना ही है, भाव की दुनिया तो चले जाना है। ये दुनिया तिलकण बाजी, ठीक है, ये दुनिया की तिलकन बाजी। तिलकन बाजी का की मीनिंग है? यस, तिलकन बाजी का की मीनिंग है बेटा? ये दुनिया तिलकन बाजी है, जशन। तिलकन बाजी का मतलब है दुनिया ये संसार है, तिलकन बाजी भाव की थोड़ी चीज दी है, ठीक है। भाव की कुछ समा इस दुनिया विच रह के असीं इत्थों चले जाना है। तू पैर समझ के धरिया कर, ठीक है, इसलिए तू सोच समझ के काम करिया कर, के भाव की तेनू किसे दा निरादर नहीं करना चाहिदा। जदों तू कोई भी काम करन लग्या तेनू सोचना समझना चाहिदा है, ठीक है, कि तू केड़ा काम कर रहा है, किस दा दिल तां नहीं दुखा रहा, कोई गलत काम तां नहीं कर रहा। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर दिनी है, पैरा पूरा दाता दिया बेपरवाहिया तो, कोई बेपरवाह डरिया कर। दाता मतलब परमात्मा, ठीक है। कवि कह रहा है कि हे बेपरवाह इंसान, इंसान नु बेपरवाह कह रहा है जो किसी की परवाह नहीं करता। तू दाता तो डरिया कर, ठीक है, क्योंकि दुनिया किन्ने बनाई है? परमात्मा ने बनाई है। तू हर दम 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 करता है, हर दम दम यानी कि हर घड़ी हर पल। दम दा मतलब पैसा, धन दौलत, तू हर समय पैसे दे पिछे भजदा रहना है, धन दे पिछे भजदा रहना है। दम देने ने दम भरिया कर, दम देने भाव कि तू एक ना एक दिन श्वास त्याग रहे हैं, इसलिए चंगे काम कर। वो पल विच दल थल करता है, वो मतलब परमात्मा। परमात्मा एक सैकिंड दे विच ही सारी दुनिया नू जल थल विच, ठीक है, जल थल विच बदल सकता है, भाव की सारी दुनिया का नाश कर सकता है। ये दुनिया ये सागर सोच के तरिया, तुम ये सोचना चाहिए कि दुनिया की सागर है, एक ना एक दिन असीं जिहड़ा डूब जाना है, ठीक है। ये दुनिया तिलकन बाजी, ये दुनिया की संसार थोड़ी चीज का है, ठीक है। असीं कुछ समा रह के हरेक इंसान इत्थों चले जाना है, इसलिए सानू जिहड़ा कि चंगे काम करने चाहिए हैं। जो भी असीं काम करते हैं सोच समझ के करना चाहिए है। क्लियर है बेटा? सबनों पहला हूँ असीं ये क्वेश्चन करांगे, ओके। तू वेरी गुड दी बयान, किस तो डरन की चेतावनी दी गई है? परमात्मा तो डरन की चेतावनी दी गई है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है, मनुख हर समय कादा लोभी बनिया होया है, या उसनू किस चीज का लालच है? लक्ष्य, पैसे। लक्ष्य बेटा, लक्ष्य जैरत मैम, पैसे दा। पैसे दा, वेरी गुड। हर समय धन दा या पैसे दा लालच है, गुड। नेक्स्ट है, इना सत्रा विच दम देने, ठीक है, एवल दम देने शब्द दा की अर्थ है? दम देने मीनिंग दस रहे बेटा सारे आरे, दम देने। दिव्या, दिव्या धन देने, दम देने, दम देने ने दम भरिया कर। दम देने बेटा असि अपना की देना है? दम देने ने। दलजीत,
दलजीत अनम्यूट योरसेल्फ। दलजीत इन्हां सत्रां दा अर्थ है कि सानूं किसे ना किसे समय स्वास त्यागने ही पैणगे, इस करके सानूं चंगे काम करना चाहिए। इन्हां इन्ने को पढ़दा ना काम लेने दा कोवर, ठीक है। स्वास बेटा दम देने मतलब स्वास त्यागने, हां कि मरना। नेक्स्ट है कौन पल विच दल थल कर दिंदा है, कौन एक पल दे विच जल थल कर देवेगा जां जल थल कर दिंदा है। आरजू मैम परमात्मा। परमात्मा वेरी गुड। जयती बेटा समझ नहीं आ रही बेटा, हैंड रेज करो। जयती फिफ्थ है इन्हां सत्रां विच दुनिया बारे की विचार है, भाव की इन्हां सत्रां विच कवि ने दुनिया बारे की विचार पेश किते हैं। लास्ट है ना, चेक है ना बेटा। जयती जयती अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। कवि ने दसिया है कि दुनिया थोड़े चिर लई ही है, इसलिए मनुख नु सोच समझ के काम करना चाहिदा है। वेरी गुड। दुनिया की है थोड़े चीज नहीं है, इसलिए सानू सोच समझ के काम करने चाहिए। हाँ वेरी गुड जयती बेटा, आंसर दिया कर बेटा। जयती आप तो इतना अच्छा करते हो काम, ठीक है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। गुड बेटा, क्लियर है बेटा दोनों प्यारे एनडीटी काम टुकड़ी। ओके बेटा, होर मैं नाइन्थ सी विच भी दूसरी काम टुकड़ियां कराइए, तुसी ओ वाली वीडियो भी देख सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा असि हुण अज तुहाडा टेस्ट है मूड वेख्या वार्तक पिंड, वह भी एक बार रिवाइज कर लेने फटाफट। मूड वेख्या वार्तक पिंड किदा लिखा होया है, बलराज सानी दा। किदा लिखा है, सेकंड आपां चैप्टर करांगे वार्तक लेख, किदा लिखा है बलराज सानी दा। इस वार्तक लेख दे विच लेखक ने अपने बचपन दे पिंड भेरे दी गल कीती है, जिहड़े पिंड भेरे दी, ठीक है। बचपन कितने बीतिया सी, भेरे विच बीतिया सी, जो कि कितने है पाकिस्तान दे विच है, कितने है पाकिस्तान दे विच है। ए बेटा उन्हें वार्तक लेख अपना पाकिस्तानी सफरनामा विच लिया है, पाकिस्तानी सफरनामा विच लिया है, भाव कि सफरनामा का मीनिंग है यात्रा का हाल, ठीक है। सब तो पहला की करता है कि किदी परमिशन लैंदा है, पुलिस दी, ठीक है। पुलिस दी परमिशन लैके वह जिहड़ा कि भेरे पिंड देखने लई जांदा है, ते किन्ने साल बाद जांदा है, 40 साल बाद वह जा रहा हुंदा है, ते उत्थे वह किन्ने साल रहा सी, 8-9 साल, ठीक है। भेरे पिंड नूं किन्ने साल रहा, 8-9 साल, जदों 8-9 साल दा सी उहनां नूं उत्थों आना पिया। अपने तीन दोस्तां दे नाल शाकी मुस्तफीन, ठीक है, तीन दोस्त होंगे, एक शाकिर है, एक मुस्तफीन है, ते एक दोस्त का नाम है बेटा उहदा सिकंदर। तीन दोस्त है सिकंदर, शाकिर, एमसीक्यू दे विच कोई भी पूछ सकदे है, ते तीसरा मुस्तफीन। तीन दोस्तों के नाल बेटा वो पाकिस्तान भेरे पिंड देखने लिए जाता है, उन्होंने किन्ने घंटे का समा मिलिया, सिर्फ तीन घंटे का, तीन घंटे का उन्हें समा मिलिया होंदा उत्थे भेरा पिंड देखने के लिए। वह बस भी सवार होके जाता है, तो बस के विच उहदे नाल कौन बैठता है, नाल दी सीट ते एक बजुर्ग औरत बैठती है, जिसनों जिहड़े कि लगता है कि उहदी शकल है उहदी मां वर्गी है, उहदे कपड़िया तो। जदों बेटा वह बस के विच जा रहा होंदा, उहनूं सारियां अपनियां यादां जिहड़ी कि बचपन भी जदों उहने भेरे पिंड भी किस तरह ने अपना बचपन बिताया, वो सारिया यादा अपने दोस्तों नाल शेयर करता है। फिर बेटा अपने दोस्तों नू दसदा है कि उसके ताई जी, उसके कौन ताई जी, जेलम दरिया दे कंडे इशनान करन जाया करते सन अपनिया सहेलिया नाल, ते उहदी भैन दे नाल, ते वह भी अपने भरा, लेखक दे भरा दा की नाम है भीषम, भरा कौन सी भीषम नाल जाया करदा सी। जेलम दरिया नूं पार कर लगे, तीन पड़ा पार करने पैंदे है, केड़े केड़े पड़ा है, एक है चिड़ी चौक, अनोखा पेंडा, ते एक होर, ठीक है, तीन तीन पड़ावां नूं पार करना पैंदा है, चिड़ी चौक, अनोखा पेंडा, ते तीसरा है घड़ी फन,
पड़ा है चिड़ी चौक, जेल अंदरिया पार कर लग्या, चिड़ी चौक घड़ीपन औखा पेंडा, ये तीन पड़ावां नूं जिहड़ा कि पार करना पैंदा है। ते चिड़ी चौक विच की लगता है एक अनोखा मेला, की लगता है अनोखा मेला लगता है, ठीक है, जिथे ओहदी भैण जाया करदी सी, ठीक है, जिथे त्रिंजन दा मेला लगता है चिड़ी चौक विखे। फिर बेटा जदों अगे जांदा है अपनियां होर गल्लां शेयर करदा है अपने दोस्तां नाल कि किस तरह खूह दे नजदीक ओहदे ताया चाचा जी दा घर होया करदा सी। बस बेटा जदों भुल्लोवाल दे स्टेशन दे कोल, ठीक है, किथे पहुंचदी है भुल्लोवाल, भुल्लोवाल तो भेरे किन्नी मील दी दूरी ते है, सिर्फ 8-9 मील दी, भुल्लोवाल तो भेरे 8-9 मील दी दूरी ते है। ते बस कंडक्टर की कहंदा है कि ते 1.5 घंटे लई बस रुकेगी, किन्ने घंटे लई, 1.5 घंटे लई। ते लेखक जिसनू कि सिर्फ 3 घंटे दा टाइम मिलिया हुंदा है, बस कंडक्टर नू रिक्वेस्ट करदा है कि तुसी बस जल्दी चला रहे हो कि मैनू सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिले, ते 15 मिनट बीच ही जिहड़ा कि बस कंडक्टर बस चला दिंदा है। फिर अपने भेरे पहुंच जाते हैं, भेरे पहुंच के सब तो पहला, ठीक है, उत्थे अलग अलग मुहल्ले बने हुए हैं, जिवें सानिया का मुहला, कोलिया का, आनंदा का, सब तो पहला मुहला कि आंदा है सानिया का मुहला आंदा है। फिर बेटा बलोची दरवाजे को पहुंच के चौधरी गुलाम मुहम्मद के घर जाता है। चौधरी गुलाम मुहम्मद कौन है, दादे पोतरे का भरा है, जो ओरी उम्र का ही है, लेखक की उम्र का ही, तो ओर पुत्र का की नाम है अनवर। वह चौधरी गुलाम मुहम्मद पूछता है, ठीक है, कहें कि यह घर किसका है, तो उन्होंने शक हो जाता है कि जिस घर के रह रहा है वह बैठा है, वह घर लेखक का अपना ही है, पर अपने जो घर के बारे पूछता है तो चौधरी गुलाम मुहम्मद बोल बोल गल कर दिता है, भाव कि दसदा नहीं, क्योंकि बेटा रियलिटी होंगी कि उन्हें लेखक के घर के नाल अपनी जमीन ला के वह मकान बना लिया होंगे, ठीक है। तो जो लेखक थोड़ा उपर जाता है, रसोई देखता है, आले दुआले देखता है, तो वह कमरा देखता है जिथे ओरी भैन की कुड़माई हुई सी, अपनी मरी हुई भैन बेटा याद करके, ओरी भैन मर चुकी है, अपनी मरी हुई भैन याद करके बहुत ज्यादा रोंदा है। तो वह कहता है कि मैं इस बेगाने देश दे बेगाने लोगों के सामने की कर रहा हाँ। क्लीयर है, ये दोनों चीजा बेटा एंटिटी कार टुकड़ी ते वार्तक मूल लिख वेख्या पिंड का टेस्ट है 2 o'clock 2 बजे है बेटा, ते सब ने करना है, ठीक है, गूगल फॉर्म दे विच ही आएगा, MCQ दे विच, ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बाय बेटा।